हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टैरोट 777। मैं टैरोट रीडर पूनम वर्मा आपके लिए आ गई हूँ पिकअप पाइल रीडिंग लेकर के। आज का टॉपिक है क्या, कौन से सपने हैं आपके जो इस साल पूरे हो गए, यानी कि इस साल ऐसे कौन से सपने हैं जो पूरे होने वाले हैं। यहाँ पे डिटेल में हम रीडिंग करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे पाइल रीडिंग बनाई है, तो मैंने यहाँ पे दो पाइल तैयार की हैं। स्क्रीन पे चार्ट आ गया होगा जिसमें दो पाइल होंगी। आप अपनी एक पाइल चुन करके टाइम स्टैम्प पर जा करके वीडियो देख सकते हो। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हे पाइल वन, तो जिन्होंने पाइल वन चुना है, चलिए जानते हैं उनके लिए क्या एनर्जीज हैं, कैसी क्या एनर्जीज हैं, अगले एक साल के अंदर वो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या सपने हैं जो उनके सपने पूरे होने वाले हैं। इस अगले एक साल के अंदर उनके कौन से सपने हैं जो पूरे होने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। तो फर्स्ट सपना जो आपका पूरा होने वाला है, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 9 of Swords। सेकेंड कार्ड आपके लिए है 6 of Wands। फाइनल कार्ड आपके लिए जो आया है वो है टेम्परेंस। ये कार्ड भी लगभग निकल आया है, तो इसको हम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास कार्ड्स आए हैं। बॉटम में कार्ड से 2 of Pentacles। ओके, बताती हूँ, कुछ और कार्ड्स हम ले लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। पाइल वन को अगले एक साल में कौन से सपने हैं जो उनके सपने पूरे होने वाले हैं, क्या सपने हैं जो सपने उनके पूरे होने वाले हैं। पाइल वन के कौन से सपने हैं जो इस साल के भीतर पूरे होने वाले हैं। एस ऑफ वैंड, एम्परर, 9 of Swords अगेन, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड फाइनल कार्ड है 9 of Pentacles। बॉटम में नाइट ऑफ कफ। ओके, याद होगा आपको फर्स्ट डेक से आपका 2 of Pentacles बॉटम में था एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ कप। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने पास्ट में कुछ ऐसा वर्क किया था, शायद अपने आप पर बिलीव नहीं किया था, ठीक है, आपकी थोड़ी सी बिलीव में थोड़ी सी यहाँ पे कमी में देख रही थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको कुछ फैसले गलत हुए। अपने आप पे चूंकि बिलीव नहीं था तो फैसले भी गलत ले लिए। अब फैसले गलत लिए हैं तो उसका कहीं ना कहीं रिग्रेट है आपको, ठीक है, क्योंकि 2 बार 9 of Swords आया है, एंजाइटी है, आप रात रात भर जागते रहते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा, आप इसको इस साल अपनी इस रात को जागने की आदत को पैसों में बदल रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये पैसों में बदलते हुए दिखाई दे रही है। नाइन ऑफ सोर्ड यहाँ 9 of Pentacles में बदल रही है। आइसोलेशन है, अकेलापन है, रात का जागना भी उतना ही है, लेकिन इसको आप एनर्जी को अलग रूप दे रहे हो, एनर्जी को अलग रूप दे करके उसे अपने लिए उपयोगी बना रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई आपने गोल सेट किया हुआ है, खास करके आपका फिल्मी करियर हो सकता है या सोशल मीडिया में कोई वर्क हो सकता है जो आप चाहते हैं, आपका कोई चैनल हो सकता है, ठीक है, कोई आपका थिएटर शो हो सकता है या किसी की चैंपियनशिप या रेस की कोई होगा, कोई एग्ज़ाम होगा जिसमें यहाँ पे इस साल आपका पोजीशन आपकी फर्स्ट आते हुए दिखाई दे रही है।
आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, आप चीज़ों को बैलेंस कर पा रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर पा रहे हो, आप अपने लिए खुद के लिए खड़े हो पा रहे हो। जहाँ आपको आलस आता था, यहाँ आलस आपका ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके अंदर वो एनर्जी दिखाई दे रही है जो कुछ भी कर सकती है। यहाँ मैं आपके लिए एक पोर्टल में देख रही हूँ जिसके ज़रिए आप डिवाइन के साथ कुछ भी हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करने वाले हो इस नए साल के अंदर। पैसों के मामले में आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट की एनर्जी पैसा भर भर के आते हुए दिखाई दे रहा है। कोई फैमिली बिजनेस हो सकता है या खुद का बिजनेस हो सकता है कि करना चाहोगे, और जो बहुत ही अच्छे हाई लेवल पे जाएगा। इसमें पुराने कस्टमर, नए कस्टमर्स आप ज्वाइन कराओगे। बहुत सी चीज़ें होंगी जिनको आप लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी जादुई छड़ी आपके हाथों में होगी, जो आप बोलोगे वो तुरंत यहाँ पे हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है जैसे गुस्से को भी आप एक नया रूप दे रहे हो। इस एनर्जी को भी जरा सा कहीं ना कहीं अपने आप पर ट्रस्ट कर रहे हो। जहाँ आप जो आपकी गलतियाँ हुई थी इनके ऊपर गुस्सा कर रहे थे, रिग्रेट कर रहे थे, आप क्या कर रहे हो, अपनी उन गलतियों का से सबक लेकर के, आप उनसे एक सबक लेकर के एक बड़ा सा कोई लेसन तैयार कर रहे हो, कोई बड़ा वर्क कर रहे हो, कोई नया ऐसा वर्क जो कतई कोई समझ ही नहीं सकता था कि यह आप कर सकते हो। ये बड़ा कोई ओहदा है। आप अपने ऑरा को क्लीन कर रहे हो। मुझे तो बहुत लोगों की यहाँ पे एनेस्टर की हीलिंग भी नज़र आ रही है। जैसे उनके पितर शायद बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कत कर रहे थे अभी तक की, करीब 8 से 9 साल से कोई ना कोई कुंडली का दोष योग था जिसको, जो उन्हें परेशान कर रहा था, और ये इस साल ये दोष मुक्त हो रहे हैं। ठीक है, ये दोष इनका इस साल, वो इस दोष से मुक्त हो रहे हैं। खास करके अगर आप एरीज साइन के हो, आ नाम के अक्षर वालों, आपके अगर कुंडली में कोई भी दोष था तो ये दोष मुक्ति आपको इस साल मिल जाएगी। ये सारी आपके कुछ सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम कुछ और ब्लेसिंग देखेंगे कि क्या आपके कौन से विशेष और या कौन से सपने आपके और पूरे होने के चांसेस यहाँ बढ़ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल वन के कौन से ऐसे सपने हैं जो इस साल के अंदर पूरे होने के चांसेस हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। ओके, यहाँ पे सर्विस का कार्ड आया है और मैं इसको ले लेती हूँ। तो जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा था कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, ये जॉब को लेकर के हो सकती है, कोई बड़ी सर्विस। यहाँ पे भी एम्परर का कार्ड है तो कहीं ना कहीं कोई सर्विस आपके लिए यहाँ पे वेट कर रही है। कोई बड़ा ओहदा, कोई बड़ी पोस्ट आपके लिए यहाँ पे, गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट आपके लिए बनने की चांसेस दिख रहे हैं। और क्या एनर्जी है, और क्या सपने हैं। ओके, चलिए पहला कार्ड आपके लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे आया है आपके लिए मैसेज, कोई कॉल आप रिसीव कर सकते हो अपने पार्टनर का या फिर किसी इंटरव्यू का। जिस कॉल को आप, किसी मैसेज को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये आपका मैसेज आते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सेकंड, आपका कौन सा सपना पूरा हो रहा है। एनमी, आपके दुश्मन परास्त होंगे। आपकी चकाचौंध जब देखेंगे ना तो आपके दुश्मन परास्त हो जाएंगे। बाय द वे, मैं इस कार्ड को ऐसे रख लेती हूँ। तो आपके जो दुश्मन है ना, वो यकीन नहीं कर पाएंगे, अरे ये कितना साइन कर गया, इतना कैसे साइन कर गया। तो यहाँ साइनिंग की एनर्जी में देख रही हूँ और दुश्मन परास्त हो रहे हैं। यस, अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप सक्सेस की ओर जा रहे हैं और दुश्मन आपकी इसी चीज़ को देख करके जलेंगे, भुनेंगे। ये नाइन ऑफ सोर्ड की एनर्जी अब उनके ऊपर रिजर्व होगी, रिवर्स होगी। ठीक है, चलिए, और आपके दो सपने और कौन से हैं जो यहाँ पे पूरे हो गए।
रूम, रूम से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर भी आया है। तो जैसे अगर आप अपने रूम को रेनोवेट कराना चाहते थे या फिर कोई घर अपना बनाना चाहते थे, तो आपका अपना घर या रूम या फिर कोई घर के लिए कोई गैजेट या कोई फर्नीचर कुछ भी आप खरीदना चाहते थे, तो यहाँ पे इस साल आप खरीद पाओगे। लास्ट वन हम आपका देख लेते हैं, आपका आखिरी और लास्ट सपना क्या है जो पूरा होके रहेगा। ओके, यहाँ पे मनी, बहुत बड़ी मनी, बहुत बड़ा अमाउंट कहीं से आप पाते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे यहाँ पे आपके घर में पैसा, धन, बरकत आते हुए दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं जिसे ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही आया है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कहा जा रहा है कि तो आप कह रहे हो सब कुछ तो मिल गया मुझे, अब बकाया ही क्या रहा। तो यस, सारे सपने आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप अपनी लाइफ में एक लग्जरियस लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। एक लग्जरियस लाइफ आपकी दिख रही है, एक फेमस, एक सोशल बटरफ्लाई आप बनते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यस पाइल वन, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और यूट्यूब पर ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। बाय। आपके कौन से वो सपने हैं जो इस साल आपके पूरे होंगे? कौन कौन से सपने हैं जो इस साल आपके पूरे होंगे ही होंगे? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, पाइल टू को गाइड कीजिएगा, पाइल टू के लिए गाइड कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, गाइड कीजिएगा पाइल टू के लिए। पाइल टू के लिए प्लीज डिवाइन गाइड कीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट कार्ड जो आपकी आने वाली ब्लेसिंग को, आपके सपने को दिखा रही है कि कौन सा सपना पूरा होगा। फर्स्ट कार्ड फाइव ऑफ कफ, ये कार्ड अपने आप आ गया है, इसको भी ले लेते हैं। नाइट ऑफ कफ, टेन ऑफ वैंड्स एंड लास्ट वन हमारा किंग ऑफ कप। ओके, बहुत ही इमोशंस की एनर्जी है यहाँ पे। बॉटम में कार्ड है टेन ऑफ सोर्ड, यहाँ भी इमोशंस चले गए हैं, अकेले जा रहे हैं। नाइस वन, चलिए कुछ और भी एनर्जी हम देख लेते हैं पहले, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ स्टोरी आपकी क्या है, मेन थिंग्स जो आप इस साल आपके पूरी होंगी। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए और मेगा ब्लेसिंग जो आपकी पूरी होकर के ही रहेगी इस साल ब्लेसिंग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। देखिए नाइन ऑफ कप गिरा है, ये विश कार्ड है, तो गिरा है तो फिर मैं इस कार्ड को लूँगी नहीं, लेकिन मैं आपसे ज़रूर बोलूँगी इस कार्ड को देख करके तुरंत ही अपने लिए विश जरूर मांगिएगा। अभी वीडियो पॉज कीजिए और अपनी विश मांग लीजिए। देखिए स्टार कार्ड भी है, दोनों ही हैं, तो जो आप होप लगा रहे हो वो मैनिफेस्ट जरूर होगा आपका, ठीक है, वो मैनिफेस्ट जरूर होगा। चलिए देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए पाइल टू के लिए। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, एस ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल एंड लास्ट वन हमारी जो आपको ब्लेसिंग मिल रही है क्वीन ऑफ वैंड्स। बॉटम में थ्री ऑफ सोर्ड। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आपके मन में बहुत सारी, देखिए देखिए मन में कितना द्वंद्व मचा के रखा हुआ है, बहुत रोष की यहाँ पे एनर्जी है। जैसे किसी ने अपना दुख
अपने दिल में छुपा के रखा हुआ है, अपनी तकलीफ किसी को बयां नहीं कर पा रहा, बस जिंदगी को ढो रहा है, काट रहा है। हर साल सोचता है कि इस बार मेरी विश पूरी होगी, इस बार होगी, इस बार होगी, इस बार होती। साल बीत रहे हैं, साल को बीतते हुए देख रहा है और उसकी विश नहीं पूरी हो रही। यह है एनर्जी पाइल टू की, समझ रहे हैं आप। अपने मन में भी वो हार मानने लगा है, अब उसने गिव अप कर दिया है। भाई पाइल टू में बहुत से लोग हैं जिन्होंने गिव अप कर दिया है, उनको लगता है जैसे बाकी दिन साल कटे हैं वैसे ही ये भी दिन महीने साल कट जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे आया है कार्ड नंबर नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स कहता है ट्रस्ट करो अपने आप पर, यू कैन डू इट, अपने आप से प्यार करो, आप करोगे। और मुझे ये दिखाई दे रहा है इस साल सेल्फ लव करना है, खुद से प्यार करना है, किसी पर्सन से नहीं, खुद से प्यार करना है, खुद को मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे आपको ये थोड़ा सा मोटिवेट करना था। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो मैं ब्लेसिंग देख रही हूँ, आप इस साल में आप अपनी नेगेटिव से बाहर निकल रहे हो, यहाँ पे नेगेटिव में बैठे हो लेकिन यहाँ से घोड़े से सवार होकर यहाँ पे पूरा निकल चल दिए हो। ठीक है, और यहाँ पे हीलिंग आपको लग गई है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो इमोशनल बैगेज आपके चल रहे हैं वो इस साल आपके वो बैगेज ख़त्म होंगे और एक लाइफ का रीस्टार्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है और ये मैजिशियन का कार्ड, तो तीन इक्का आपके सामने हैं। ठीक है, भले ये मैजिशियन है पर ये भी इक्का ही जैसा है, ये भी फर्स्ट का ही नंबर का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आपका इस साल हर एक विश एक पर एक हो करके विश वो पूरी होगी। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, एक विश पूरी होगी, दूसरा स्टार्ट। यूनिवर्स आपको भर भर के जितना उसने आपको पेशेंस दे जा कराया है ना, जितना वेट कराया है, अब उसके वो रिवॉर्ड्स देगी आपको। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा जैसे आप अपने करियर की ओर कोई एक पाथ चुन रहे हो, किसी करियर की ओर जा रहे हो जहाँ पे आप एक अच्छा जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक अच्छा बिजनेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक माइंड क्लैरिटी आ रही है कि मुझे ये करना है। और मुझे यहाँ पे इतना आपका बैंक बैलेंस दिखाई दे रहा है कि आप खुद का तो करोगे ही ना, दूसरों को भी शेयर करोगे। यहाँ पे भी शेयरिंग का कार्ड है, सर्विस का कार्ड है और यहाँ पे भी शेयरिंग का कार्ड है। क्वीन ऑफ वैंड्स क्या है, ये इतनी सक्षम होती है कि अपने साथ साथ दूसरों को भी भला करती है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप इतने सक्षम हो जाओगे कि आप अपने साथ में और लोगों का भी भला करोगे और लोगों को भी अपने से जोड़ोगे। विद मैजिशियन के मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने अपने जीवन में बहुत कम सोर्सेस से बड़े मैजिक क्रिएट करोगे और लोग इनसे इंस्पायर होंगे। अगर कोई आपका सोशल वर्कर काम है या यूट्यूब पे कोई चैनल है या सोशल मीडिया पे कोई काम है तो वो भी प्रोग्रेस होगा, वो हाईलाइट पे आ जाएगा। अचानक से आपको उसमें सब्सक्राइबर्स दिखाई देने लगेंगे, फॉलोवर्स दिखाई देने लगेंगे, अचानक से उनमें इनकम दिखाई देगी आपको। ठीक है, इनकम दिखेगी, उससे अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आप उस अर्निंग को करने के बाद में आप दूसरे को भी सिखाएंगे कि कैसे आप कमाई कर सकते हो। ठीक है, आप दूसरों को भी सिखा रहे हो, दूसरे को भी फ़ायदा पहुँचा रहे हो। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप अपनी बुद्धि से, अपनी विजडम से अपनी जीत हासिल करोगे। जितने भी ऑब्स्टिकल हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, नई लाइफ की शुरुआत हो रही है। लेकिन थोड़ा सा है, बस थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, ओवरवेल्म होकर के कोई मत काम कीजिएगा। ठीक है, ओवरवेल्म जहाँ हुए नहीं वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे बढ़ रहे हो वैसे ही स्लोली स्लोली आगे बढ़ते रहना, ज़्यादा स्पीड लेकर के मत भागना कि अचानक से सब कुछ होने लगा तो आपने अपने काम की स्पीड कर दी। अगर वो करोगे ना तो फिर हेल्थ इशू बनेंगे। ठीक है, फिर ये हेल्थ इशू के भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा कि जैसे दोबारा से इमोशनली बैगेज में फंस जाओगे। ठीक है, तो कंट्रोलिव माइंड सेट के साथ चलना है। ठीक है, बाकी आपके
लव को लेकर के जो भी सपना है वो पूरा होगा, करियर को लेकर के जो आप बनना चाहते हो वो पूरा होगा, डिवाइन आपके लिए पोर्टल खोल रही है जिससे आप वो करियर पाथ पे आगे बढ़ पाए। कुछ आपकी ब्लेसिंग, अब हम आपकी और थोड़ा सा क्लैरिटी से देखते हैं कि आपको और कौन सी ब्लेसिंग मिलने वाली हैं इस साल के अंदर, या कौन से ऐसे सपने हैं जो इस साल आप पूरे होने की चांसेस है, आप सपना देख सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा, पाइल टू को गाइड कीजिएगा, क्या उनके सपने हैं, कौन कौन से सपने हैं जो इस साल उनके आने वाले इस साल में पूरे हो सकते हैं। ये बाय द वे दो बार निकला है, इसको मैं ले लेती हूँ। वाइफ यानी कि किसी की शादी मैनिफेस्ट हो रही है, हो सकता है कि किसी के वाइफ या किसी के पति, ठीक है, किसी के पति। और ये कौन सा कार्ड है भाई, यंग वूमेन का भी कार्ड आ गया है, मैं इसको लूँगी नहीं। तो यहाँ पे अगर संबंधों में, कपल्स में कुछ अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो यहाँ पे आप रिकंसलेशन भी हासिल कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप में हीलिंग मैनिफेस्ट कर सकते हो। चलिए प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी से गाइड कीजिएगा, प्लीज़ क्लियर कार्ड दीजिए डिवाइन, प्लीज़ क्लियर कार्ड दीजिए, क्लियर कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। ओके, क्या है आपकी सपने जो पूरे होने वाले हैं इस साल के अंदर? तो यहाँ पे जॉयनेस का कार्ड आया है, आपके लाइफ में जॉयनेस भर भर के आते हुए दिखाई दे रहा है, आपकी फ्रेंड सर्कल बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, आपका समाज में रुतबा बनते हुए दिखाई दे रहा है। जहाँ आपको ये लग रहा था कि सारे मेरी मेहनत पानी में गई, साल पे 10 साल गुजर रहे हैं ऐसे ही, वहाँ अब जॉयनेस की चिंगारी, कहते हैं ना चिंगारी आ रही है, ये आग के गोले की लगने वाली चिंगारी है। ठीक है, ये आपके अंदर स्पार्क लगाएगी कि आपको कुछ कर दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके कौन से सपने पूरे होंगे यहाँ पे? लव, यस, लव के लिहाज से मैंने पहले ही बोला, लव के लिहाज से बहुत लोगों के यहाँ पे रिकंसलेशन दिखाई दे रही है, आपके पर्सन वापस आ सकते हैं, आपकी बातचीत हो सकती है किसी के साथ, सिंगल हो शादी की बात कहीं चल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है होम, तो जो लोग घर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए अपना घर मैनिफेस्ट हो रहा है, ये हाउस की शिफ्टिंग हो सकती है, होम शिफ्टिंग भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि आपकी शादी हो, आप एक घर से दूसरे घर जाएं। ठीक है, दो घरों के संबंध भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला और क्या है, और अगला क्या है, एनमी, आपके दुश्मन आपसे परास्त होंगे। पाइल वन में भी ये कार्ड था और वहाँ भी मैंने मैसेज किया था आपके दुश्मन परास्त होंगे। ठीक है, तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर व्यूअर्स जो हैं ना, जिन्होंने दुख झेला है उनके हर दुख का हिसाब होगा। नेक्स्ट कार्ड है आपका जर्नी, मैंने यहाँ पे बोला था एक नई जर्नी पे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। मैं एक कार्ड और आपके लिए निकालना चाहूँगी, एक जर्नी पे जाते हुए दिखाई दे रही, बाय द वे किस चीज़ की जर्नी है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा किस चीज़ की जर्नी है। सर्विस, ओके, आप यहाँ पे कुछ लोग देखो बिजनेस के लिए जाते हुए जा रहे हैं और कुछ लोगों के यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं, आपकी कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बनने हैं, या फिर कोई अपना फैमिली ट्रेडिशनल बिजनेस भी फॉलो करके उसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, बॉटम में भी कार्ड मर्चेंट का, यस, फैमिली बिजनेस को भी कुछ लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, ये तो है मेरी आपके लिए पाइल टू ये रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। बाय।